ड्रमस्टिक यानी कि मोरिंगा। आज हम इसका एक टेस्टी सा करी बनाएंगे। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सुभस्मिता, आप सबको सुभस्मिता किचन में स्वागत है। यहाँ मैंने एक चम्मच तेल ली हूँ और 10 से 15 मूंगफली ली हूँ। पहले हम तेल को बस 2 से 3 मिनट के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसे निकाल कर साइड में रख लेंगे और कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे और मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब एक मिक्सचर डाल लेंगे और उसमें तेल और मूंगफली को डाल देंगे और इससे थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने इमली को आधा घंटा के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया है। यहाँ मैंने ड्रमस्टिक को छोटे छोटे पीसेस में काट के उसे अच्छे से धो के रख लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और ड्रमस्टिक को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे ढक्कन देकर फ्राई करेंगे और बीच बीच में इसे ऊपर नीचे करेंगे। इसे हमें 70 से 80% तक फ्राई करना है। अब हमारा ड्रमस्टिक फ्राई हो गया है। अब इसे तेल से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। हमें करी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेंगे। करी बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ 1 कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। आप जितना तीखा खाते हैं आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और 10 से 12 करी पत्ता। तो चलिए करी बनाना शुरू करते हैं। जिस कढ़ाई में हम ड्रमस्टिक को फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अगर आपके कढ़ाई में थोड़ा सा तेल है तो आप मत डालिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक गया है, अब हम इसमें जो कटी हुई प्याज रखे थे उसे डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे पाउडर मसाला इसके साथ डाल देंगे और प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाला को अच्छे से पकाएंगे। अब मसाला पक गया है, अब इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर और इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारा मसाला से तेल निकल के आ गया है, मतलब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ड्रमस्टिक को जो फ्राई करके रखे थे उसे डालेंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पिनट और तिल का जो पेस्ट बना के रखे थे उसे डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे, आप चाहे तो आप करी पत्ता को प्याज के साथ डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसका ढक्कन कवर करके इसे हम 5 मिनट तक कुक करेंगे। अब हमारा ड्रमस्टिक करी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व कीजिए, आपको अच्छा लगेगा।